ये कौन है ये? ये मेरी बीवी है। शर्म नहीं आती? ऐसा कौवे जैसा बुड्ढा और इतनी खूबसूरत बीवी रखी हुई है। खबरदार, जो तुमने मेरे पति को बूढ़ा, खुसर, सड़े हुए भिंडी के टिंडोरे जैसा बुलाया तो ये तो मुझे सपोर्ट कर रही कि उसको आईडिया दे रहे मेरी बेइज्जती की। तेरे को मैंने कितनी बार बोला, जब भी कोई घर पे मर्द आए कमरे से बाहर मत आया कर, क्यों आई है? आपको दवाई खिलाने, लो खाओ। अरे सविता बहन, कौन सा दवाई खाते कुतरे? दरअसल इनको जवानी में बॉक्सर बनने का बहुत शौक चढ़ा था। अच्छा। लेकिन इनके पहले मैच में उनके सामने वाले ने ऐसा जोर का मुक्का मारा कि इनका दिमाग हिल गया। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े डांस टीचर बन गए हैं। आप ये दवाई खा लेना, जय श्री कृष्ण। देखिए एक मिनट गुरुजी, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ गुरुजी। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं सब समझ गया हूँ, यहाँ कुछ नहीं सीखने वाला। आठ बज गए। आठ बज गए का क्या मतलब है? आठ बज गए नहीं, देखिए गुरुजी, देखिए नहीं सीखना जाओ। देखिए गुरुजी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। ऐसा मत करिए गुरुजी। देखिए नंदनी, नंदनी इज वेरी गुड। नंदनी, बेटी पैदा की बिल्ली पैदा की आप? पिताजी, बुढ़ा नहीं बुढ़ा। बेटी इनका खट्टा नहीं बुढ़ा, बाप का हुए जैसा। मैं तो कहता हूँ मिलके काला खट्टा की दुकान खोल दो आप लोग। मुझे समझ नहीं, मैं बेइज्जती कर रहे हो? जब कर लो अकेले जो करना है, मुक्का मारा, फ्रेंडशिप मुबारक हो जाते। नंदनी एक बात कहूँ, तुम्हारी जो चोटी है ना, बहुत हा? कमाल की लग रही, एकदम लंबी, एकदम हॉट हॉट। अरे कुछ नहीं, वो तो पैसे खत्म हो गए थे ना, इसलिए कटवाई नहीं, ऐसी रखी हुई है। नंदनी, मुझे लगता है तुम स्टार्ट हो गई हो। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी चोटी से धुआं निकल रहा है। ऐसे कैसे? अबे चोटी जल गई, बंद करो ये, बंद करो। अबे कुछ करो, अबे कौन है ये? ये क्या किया? छोटी छोटी का है? अबे ये क्या कर दिया? अरे तूने कैसे ले ली? तेरी पत्ते से भी लेने की? अरे तेरी ब्रह्मा। बंद करो। देखो अभी डांस क्लास का टाइम हो गया है, जिन लोगों ने शराब पी नहीं है आप चले जाओ। बेटी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे काबिल नहीं है।
पापा ये अच्छा लड़का है। अच्छा इधर आप। अगर तूने इसको मान ही लिया है अपना तो ठीक है, अब हम डांस में ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, डांडिया मुझे आता नहीं। अच्छा। तो गुरु लोग सामने बैठे हैं, यही हमें आके डांडिया सिखाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभी मैं पूरी अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूं। नंदनी। हाँ? तुम्हारे पांव इतने खूबसूरत हैं, इसे कभी भी जमीन पर मत रखना। अच्छा। इतने भी खूबसूरत नहीं है कि मेरे मुंह पे रख दो तुम। अच्छा समीर एक चुनो। ये तुम क्या किसी तांत्रिक या जादूगर की बेटी है क्या, लेके घूमती रहती हो तुम? क्यों? अरे कम से कम एक हाथ में शक्कर रखती, हम इसका शिकंजी बनाते। अरे मैंने सोचा इसमें चार मिर्ची मिलाकर तुम्हारे मुंह में लटका दूंगी ताकि तुम्हें नजर ना लगे, तुम इतने क्यूट जो हो। अच्छा ये बताओ ना, चांदनी रात है लेकिन चांद तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए चांद अभी बुलवाता हूँ। सच? आती क्या कर रहा है? शर्म आ रही थी इसीलिए तो मैं छत पर लेकर आई इसको। आपकी उम्र क्या है? अब तो सोचे धोबी। तेरे को शर्म आना चाहिए था, बीच में क्यों आ गई डिस्टर्ब करने के लिए? दादी का फिर भी ठीक है, माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ? एक मिनट, ये बहुत गलत हो रहा है इस घर के अंदर। एक मिनट, तुम लोग मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते, नहीं हो सकता। मैं लड़की के साथ रोमांस कर रहा हूँ, अचार की बोतलें रखी हुई है तुमने यहाँ, इसलिए मुझे एक बात बताओ, ये कोई रोमांस करने की जगह है? ये देखिए पापड़ मिर्चियाँ, इसमें रोमांस होता है? बात करते हैं। बेटी हम इज्जतदार लोग हैं। देखो मुझे अपने खानदान पे यही उम्मीद थी, लेकिन आप तो सेलिब्रिटी, आप इनके चक्कर में क्यों फंस गए? दादा इनको बुला लीजिए। और तुम सब जा अंदर, चलो इधर। हमारा एक रिश्ता है गुरु शिष्य का, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तू मुझे सबसे प्यारा, मुझे तू ही है। हाँ प्यार कर ले, इधर आ इधर आ, अभी मेरा डायलॉग बाकी। आज के बाद अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया तो मैं तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर दूंगा। दफा हो जा मेरे घर से, निकल जा। ये समझते नहीं मत। दिखता नहीं तेरे को, आंखें फूट गई है तेरी। उसको बोल रहे तेरी आंखें फूट गई है क्या? उसको बोल रहे थे। सीरियस सीरियस
बापरे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.